तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह के पेटीएम के साउंड बॉक्स का यूज़ करके पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो इस केस में अगर आप इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कि आपके पेटीएम साउंड बॉक्स में इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा हो, या फिर आपके पेटीएम साउंड बॉक्स में कोई अदर लैंग्वेज आ रहा हो और आपको उसको हिंदी में सुनना है, या फिर आप किसी अदर लैंग्वेजेज में जैसे कि पंजाबी, मराठी, गुजराती में सुनना है, तो आप यहाँ पर उसका लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ऐसा करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पेटीएम के साउंड बॉक्स को ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पेटीएम के साउंड बॉक्स को ऑन कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि इसको ऑन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम के साउंड बॉक्स को आपको पीछे की तरफ से इसको बैक साइड पेज के आपको देखना है, और यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जिसमें से यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा, वो है पावर ऑन ऑफ का एक बटन होगा। सो आपको इस बटन में कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करना है। कुछ सेकेंड लगातार आप इस पर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेटीएम का साउंड बॉक्स है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद अब आपका जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स ऑन होता है, इसके बाद आपको यहाँ पर पेटीएम बिजनेस ऐप को ओपन करना है। सो पेटीएम बिजनेस ऐप के ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर पेटीएम बिजनेस ऐप के सबसे नीचे में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है बिल्कुल मिडिल में, सबसे नीचे में, वो है साउंड बॉक्स का। आपको यहाँ पर सिंपली इस साउंड बॉक्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर साउंड बॉक्स से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है, जो भी सेटिंग्स है, वो सारे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। सो आप सिंपली यहाँ पर पेटीएम साउंड बॉक्स वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, नीचे वाले ऑप्शन पर। इसके बाद यहाँ पर आपको पेटीएम साउंड बॉक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जैसे कि इसका बैटरी लेवल वो शो करेगा आपको, इसके अलावा नेटवर्क क्वालिटी कैसा है वो शो करेगा, इसके अलावा आपका रेंटल चार्जेस कितना है वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बॉक्स लैंग्वेज में एक ऑप्शन है, इसके आगे में हिंदी पर टिक किया हुआ है, मतलब अभी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज एक्टिवेट है। सो चूँकि हमें लैंग्वेज चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो नीचे में ये जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर इस लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। और जैसे ही आप इस लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में यहाँ पर आपको जितने भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है इस पेटीएम साउंड बॉक्स को यूज़ करने के लिए, वो सारे लैंग्वेजेस के लिस्ट यहाँ पर आपके सामने में ओपन हो जाएगी, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ओडिया है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, और भी कई सारे लैंग्वेजेस है। सो यहाँ पर टोटल 10 या 11 के आसपास लैंग्वेजेस है। सो आप अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में पेटीएम साउंड बॉक्स का नोटिफिकेशन सुनना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद नीचे में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोसीड का, आपको इस पर टैप कर देना है। और जैसे ही आप इतना सा काम करते हैं, आपका साउंड बॉक्स का जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो चूँकि मुझे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में ही इस पेटीएम के साउंड बॉक्स का नोटिफिकेशन सुनना है, तो मैं यहाँ पर हिंदी पर ही रहने देता हूँ। क्योंकि हिंदी पहले से सेट किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर प्रोसीड पर कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, उस लैंग्वेज पर आप क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, और इस तरह आपका पेटीएम साउंड बॉक्स का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा।